वेलकम टू ऑल ऑफ। मैं कृष्ण दत्त आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमारी सीरीज चल रही थी बीएससी फर्स्ट ईयर की, और उसमें मैं आपको तीन वीडियो करा चुका था, आज चौथी वीडियो है आपकी। और आज कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखने चलेंगे भाई, जो 7.5 मार्क्स के रहते हैं हमारे। तो आज जो मेरा पहला क्वेश्चन है, आज जो हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में बात करेंगे। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देंगे भाई सभी। तो ये हमारा बीएससी, ये लेक्चर फोर है न्यूटोनियन फिजिक्स का लेक्चर फोर है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे होंगे वो पढ़ रहे होंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो आज हम पढ़ रहे होंगे कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा। तो इसके साथ तीन क्वेश्चन ऐड होकर आते हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, ये आज हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये हमारी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है भाई। तो क्वेश्चन कैसा आता है, एक बार क्वेश्चन नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नोट करेंगे भाई सभी। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद एग्जाम्पल। और हिंदी में ऐसे देखेंगे भाई, हिंदी में स्थितिज ऊर्जा की अविधारणा उदाहरण सहित समझाइए, या उदाहरणों सहित समझाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक पार्ट तो ये है इसका, फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, और इसी क्वेश्चन में इसका दूसरा पार्ट भी पूछा जाता है इसका। वो कहता है सो डैट एक कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू वेयर यू इज पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि इसमें हमें बताना है, इसे हिंदी में कैसे लिखेंगे, दर्शाइए कि सुरक्षा बल कैपिटल एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां कैपिटल यू स्थितिज ऊर्जा
है। तो यहां तक का क्वेश्चन नोट करेंगे, इसके दो पार्ट आते हैं, इसका एक तीसरा भी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक तीसरा भी पार्ट है, उस तीसरे पार्ट को हम देखते हैं, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, और एक इसका तीसरा पार्ट हम प्रूफ करेंगे भाई, इसका तीसरा पार्ट भी हम प्रूफ करेंगे भाई। इसका तीसरा पार्ट है, इसका तीसरा पार्ट है हमारा प्रूव डेट द कर्ल, प्रूव डेट द कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। इसका मतलब है भैया, हिंदी में ऐसे कह सक समझेंगे, सिद्ध कीजिए कि सुरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, सुरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है। ये भाई हमारे तीन क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, आप यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, और आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं फिर, यहां तक का नोट करेंगे सभी। ठीक है भाई, यहां तक का नोट कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। अब हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा वन बाय वन लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, पहले पार्ट को देखते हैं हम, फर्स्ट पार्ट को, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, पहला फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या कहना चाहता है। अच्छा भैया, अगर कोई आपसे पूछने लगे पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, तो इसे ऐसे समझाना आप कि भैया अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी गेंद है, कोई भी एक ये बॉल है, और इस पे हमने कोई फोर्स लगाया, इस पे क्या करा भैया, फोर्स लगाया, बल लगाया, और फोर्स लगा के मैंने इस गेंद को थोड़ा सा ऐसे दबा दिया, क्या करा भाई, ऐसे दबा दिया, तो अभी इस बॉल की आकृति थोड़ा पहले ऐसे थी, पहले ऐसे थी, अब यो थोड़ा सा मतलब दबने के बाद में थोड़ा इस तरीके से होगी होगी, इस तरीके से होगी होगी। तो एक बात बताओ भैया, जैसे हमने बॉल को ऐसे पकड़ के और थोड़ा फोर्स लगाया, तो इसमें क्या हो गया, इसकी जो बॉल की आकृति है, शेप जो है वो बदल गई। अब भैया शेप जो बदल गई है, यानी कि क्या हुआ भाई, इसमें चेंज इन शेप, यानी कि आकृति में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया भैया, परिवर्तन हो गया। तो अब क्या होगा भैया, ये अब इसे क्या बोलते हैं, अगर फिजिक्स की फॉर्म में देखने लगू मैं, डिफॉर्म होगी भैया, वो क्या होगी, वो डिफॉर्म होगी, यानी कि विकृत होगी। विकृत का मतलब है, अब पहले इसका आकार कैसा था, पहले इसका आकार था सर्कुलर, मीन्स या इसका आकार था हमारा गोल, गोल था, स्फीयर फॉर्म में था वो, गोल था, लेकिन अब इसका आकार बदल गया है। जब इसका आकार बदल गया, इस चीज को बोलते हैं डिफॉर्म होना, यानी कि बॉल जो है फोर्स लगाने पर, दबाने पर कैसी होगी भैया, डिफॉर्म होगी, विकृत होगी। अब इसी विकृत अवस्था के कारण ही, इसी डिफॉर्म अवस्था के कारण ही ये बॉल क्या काम करती है, वर्क करती है, क्या करती है भैया, अगर इस डिफॉर्म स्टेट के कारण ही क्या करती है, वर्क करती है, और वर्क किस चीज का करती है, बाहर की तरफ ना भाई, अगर सपोज करो किसी बॉल को आप दबाओगे फोर्स लगा के, तो वो बाहर की तरफ ना खुलने का काम करेगी ना करेगी। तो ठीक इसी प्रकार से अगर
हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब किसी भी चीज को आप फोर्स लगा के उसे डिफॉर्म करते हो और डिफॉर्म करने के बाद उसका जो वर्क होता है, इसे ही बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। इसे ही क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। अब इस बात को एक एग्जांपल के थ्रू और समझेंगे हम। ये तो एक एग्जांपल फॉर्मेट में था कि हम किस तरीके से मतलब पोटेंशियल एनर्जी को समझे, स्थितिज ऊर्जा को समझे, स्थितिज ऊर्जा को समझे। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है भैया? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहां से। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज करो यहां पर एक हथौड़ा रखा हुआ था, यहां पर एक हथौड़ा रखा हुआ था, इस प्रकार से हैमर जिसे बोलते हैं, इस प्रकार से एक हथौड़ा रखा हुआ था, हैमर, ठीक है भैया? ये क्या है? एक हथौड़ा है। ये क्या है? एक हथौड़ा है, हथौड़ा है, और इसे हैमर बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। तो जैसे ही आप इसे, पहले यो इस पोजीशन में रखा हुआ था, अगर आप इसे उठाते हो, आप इसे ऊपर थोड़ी सी हाइट से उठाते हो, मान लो मेरे हाथ में मार्कर है, इस प्रकार से है, ये है पेन है मेरे हाथ में, और मैं इसे थोड़ा सा उठाता हूँ। अब उठाने के कारण इसके अंदर क्या होगी, मतलब इसमें इसमें अब इसके जब उठा लिया मन ने ये, तो अब इससे हम काम अच्छे से करा सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसकी पोजीशन में क्या करा हमने, चेंज करा, और चेंज करने के बाद ये वर्क करने के काम में आ रहा है ना। तो ठीक इसी प्रकार से अगर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पे इफेक्ट किसका भी पड़ता है? हाइट का भी पड़ता है। दूसरा, अगर मैं आपसे कह लगूं किसी ऊंचाई से कोई झरना है और वो ऐसा ऐसा गिर रहा है, और एक टरबाइन है, ये झरना है भाई, एक झरना है, झरना, झरना, झरना जानते हो, ऊपर से जो गिरता है, और इसमें पानी गिर रहा है, और ये टरबाइन है हमारी, क्या है ये? टरबाइन, टरबाइन है, और ये गोल गोल घूम रही है। तो किस कारण घूम रही है? क्योंकि इस पे हाइट से क्या गिराया जा रहा है? वाटर गिराया जा रहा, पानी गिराया जा रहा है, ठीक है? जब वाटर गिराया जा रहा है तो इसका मतलब है इसमें वर्क हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हाइट का इफेक्ट भी पोटेंशियल एनर्जी पे पड़ता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई इसका, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया वाला, बचपन में आप सभी ने करा होगा ये एग्जाम्पल। अगर सपोज करो एक आप बाजार से या मेले में से एक चाबी भरने वाली गाड़ी लेकर आए, चाबी भरने वाली गाड़ी लेकर आए, उसमें इस तरीके से स्प्रिंग रहती है, जो आपने बचपन में जैसे दशहरे में जाते हैं या इस तरीके से, ये प्लास्टिक की एक कार है सपोज करो, प्लास्टिक कार, और ये है चाबी। जब आप इसमें चाबी भरते हो, कमानी भरते हो, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है यू की फॉर्मेट में। जब आप इसे चाबी को भर घुमाते हो इस प्रकार से, आपने बचपन में नहीं करा होगा, वो ऐसे ऐसे चाबी वाले खिलौने जो होते थे, आप ऐसे ऐसे पहले उस पर वर्क करते थे, और वर्क करने के बाद उसके अंदर क्या होता था, ये कमाने घूमती रहती थी, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती थी यू के फॉर्मेट में। और जब आप इस कार को ऐसा रखते थे तो वो धीरे धीरे चलने लग जाती थी, छोटी सी कार जो बचपन में आपने देखी, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, ये जो स्टोर हुई है, इकट्ठी हुई है, इकट्ठी हुई है, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एक एनर्जी, मैं पोटेंशियल ही बोल देता हूँ यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा जो इकट्ठी हुई है वो किस फॉर्मेट में काम में आ रही है अब? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि कार अब चलने लगी है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल लिया है, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में बदल रही है, गतिज ऊर्जा के रूप में बदल रही है। यानी कि आपने कार को पहले चाबी भरी, और चाबी चलने के बाद इसमें जो ये एनर्जी स्टोर हुई है कैपिटल यू की फॉर्मेट में हुई है, और अब ये कैपिटल यू, और जैसे ही आप कार को रखते हो वो चलना स्टार्ट करती है, तो इसका मतलब है कैपिटल यू किस में चेंज हो रही है भैया? के में चेंज हो रही है, और के को आप अच्छे तरीके से जानते हो, क्या बोलते हैं इसे? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। तो ये भी एक एग्जाम्पल था
किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब एक एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन देख लेते हैं अभी हम, जो हिंदी मीडियम के लिए हो, पहले हिंदी मीडियम के लिए देख लेते हैं परिभाषा इसकी क्या हो सकती है। वस्तुओं में अपनी, वस्तुओं में अपनी, अभी ये बताई थी तो मैंने डिफॉर्म होने कारण स्थिति, वस्तुओं में अपनी स्थिति अभिविन्यास, अभि विन्यास का मतलब डिफॉर्म होना, बदलना, मतलब उसके शेप का कुछ, अभिविन्यास अथवा अथवा विकर्त अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य करने की क्या होती है भैया? क्षमता होती है। किसी किसी वस्तु की, किसी वस्तु की इस क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा कहते हैं। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया इसे? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं इसे, कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे किसी वस्तु में, किसी वस्तु में चाबी, चाबी भरी हुई, जो वो एग्जाम्पल बताया था मैंने खिलौने वाला, चाबी भरी हुई घड़ी, घड़ी की कमानी में, भाई चाबी भरी हुई में घड़ी की कमानी में, जो हमारे घरों में सिंपल पेंडुलम होता है कमानी में, और खींचे हुए स्प्रिंग में, खींचे हुए स्प्रिंग में, स्प्रिंग में, ये सभी, इन सभी में क्या होती है भैया? स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। भैया आपने क्या लिखा है वो एक बार समझा तो दो। तो देखो एक बार ध्यान से, ये बात तो मैं आपको समझा चुका। कैसे? अगर सपोज करो कोई भी हमारे पास वस्तु है, कोई भी मान लो बॉल वगैरह है, और इसको हम क्या करते हैं, इसमें फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं तो ये डिफॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? डिफॉर्म हो जाती है, मतलब इसका मतलब रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। तो रूप बदलने के कारण इस, ये क्या, कैसा वर्क करना स्टार्ट कर देती है, इसी वर्क करने की कैपेसिटी को, इसी वर्क करने की कैपेसिटी को, क्षमता को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू कहते हैं। ये तो होगी हमारी हिंदी में बात, यहाँ तक नोट करो। अभी इसकी इंग्लिश में और डेफिनेशन देख लेते हैं भैया हम, ठीक है भाई? इसकी इंग्लिश में और डेफिनेशन देख लेते हैं, यहाँ तक का नोट करेंगे सभी बच्चे। चलो भाई देखते हैं आगे, इंग्लिश में देखते हैं इसके डेफिनेशन को, इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं भाई। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ये समझने के लिए तो मैंने आपको बताई थी, आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये आपकी कुछ चीजों के लिए लिखवा रहा हूं। ए बॉडी इज कैपेबल, कैपेबल टू डू वर्क बाई वर्च ऑफ इट्स पोजिशन, पोजिशन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन
और स्टेट ऑफ स्ट्रेन, स्टेट ऑफ स्ट्रेन दिस कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या दिस कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द वॉटर एट द टॉप ऑफ ए वाटरफॉल कैन रोटेट, यानी कि अगर किसी झरने से कोई भी वाटरफॉल हो रहा है, यानी कि झरना गिर रहा है किसी टरबाइन के ऊपर और वो घूम पा रही है, वाटरफॉल कैन रोटेट ए टर्बाइन, रोटेट ए टर्बाइन वैन, यानी कि किसी भी पानी को, एक झरने के पानी को किसी भी टर्बाइन पे घेरा जाता है तो क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, वो टर्बाइन घूमने लगती है, फॉलिंग ऑन इट। यहाँ तक ये डेफिनेशन देखेंगे भाई, यहाँ तक ये एक डेफिनेशन देखेंगे भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या, ठीक है भाई, यहाँ तक नोट करेंगे सभी। अब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे एक बात और बताता हूँ, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, और इसे एक वर्ड के साथ में लिखेंगे, ऐसा समझेंगे सर, इसे एक वर्ड के साथ में देखेंगे, ये लाइन हमें याद ही होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये, इसके लिए याद ही होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कह लगूँ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल अभी बताया था ये वाली बात मैंने कि किसी भी पोटेंशियल एनर्जी को आप टोटली काइनेटिक एनर्जी में यदि बदल पा रहे हो तो सही काम हो रहा है, यानी कि कंसेप्ट है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का। क्या बताया मैंने, किसी भी चीज के अंदर यदि स्टोर एनर्जी को आप किस में बदल पा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी में बदल पा रहे हो, यानी कि गतिज ऊर्जा में बदल पा रहे हो, तो इसका मतलब है यहाँ पे किसका कंसेप्ट है, वो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है। जैसे मैंने आपको बताया तो इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम ऑफ बॉडीज इज ए फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, यानी कि किसी भी चीज के अंदर इकट्ठी हुई हुई ऊर्जा जिसे आप पूरा का पूरा कन्वर्टेड कर सको, पूरा का पूरा कन्वर्टेड कर सको किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, फुल्ली रिकवर्ड, ये लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लिखानी थी, रिकवर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अभी ये वाली बात मैंने आपको बताई थी, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास कोई भी एक ये सिस्टम है, सपोज करो कोई भी एक निकाय है, सिस्टम है जिस पर हम काम कर रहे हैं, कोई भी निकाय है, अब इसके अंदर मान लो सपोज करो ये आपकी मैंने बचपन की छोटी सी एक कार ही बता दी, या कोई भी इस तरीके से मैं इसमें स्टोर करके इस चाबी को घुमाता हूँ तो इसमें स्टोर हो जाती है, क्या एनर्जी स्टोर होती है, यू हो जाती है स्टोर एनर्जी, इस स्टोर एनर्जी को क्या बोल देता हूँ मैं, एकत्रित ऊर्जा को, स्टोर एनर्जी को क्या बोल देता हूँ मैं, यू बोल देता हूँ, और ये फुल्ली कन्वर्टेड हो रही है किसमें, के में,
तो तुमने देखा होगा जब हमारी बचपन में मेलों से हम खरीद कर ले आते थे, एक वो चाबी भरने वाले की, और पहले तो उसमें हम चाबी भरते थे, भर दी, अब उसके अंदर वो एनर्जी स्टोर होगी। अब जैसे ही उसे हम रखते थे कार को अर्थ सरफेस पे, तो वो चलने लग जाती थी, यानी कि वो चल चल कितनी थी, अगर हम कम चाबी भरते थे तो कम चलती थी, अगर ज्यादा चाबी भरते थे उसमें जो ज्यादा चलती थी। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी की ही फॉर्म है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर ये बात हम ध्यान से समझेंगे। यहां तक का नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लो भाई, हिंदी वालों का भी एक ये छोटा सा पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, यानी कि किसी भी निकाय निकाय या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वह है जो किसी निकाय में निकाय या वस्तु में निकाय या वस्तु में एकत्रित होती है, में एकत्रित यानी कि इकट्ठा कह सकते हैं, एकत्रित होती है जिसे जिसे पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा में बदला 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 जा सकता है, बदला जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, यानी कि पहले पार्ट को हम यहाँ तक कर चुके होंगे, यहाँ तक के हमारे वो 2 नंबर दे देगा भाई, 7.5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, 7.5 मार्क्स का। तो यहाँ तक ये पहले पार्ट के हमारे 2 या 2.5 के लगभग ये केस बनता है भाई हमारा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका एक जनरली फॉर्मूला होता है, उस जनरली फॉर्मूले को लिखने की वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर U इजकल टू एम जी एच होता है, U इजकल टू एम जी एच होता है, ठीक है, लिख सकते हो, बट इस ये वाला फॉर्मूला इंटरमीडिएट के पर्पज से है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूले आओगे अगले स्टेप पे, हम उसे नोट डाउन करेंगे। यहां तक का नोट कर लेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। अब कभी कभार यहां से एक चीज और आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से जुड़ी हुई, पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से जुड़ी हुई एक चीज आ जाती है यहां से, यहां तक नोट करेंगे भी सभी। एक यहां से इसके साथ डेफिनेशन के साथ एक चीज और आती है, इसका क्वेश्चन देखेंगे हम किस प्रकार से पूछ लेता है वो, यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो हमारे से क्वेश्चन में वो पूछता है कि भैया एक चीज और शो करके दिखाओ इसके साथ, क्वेश्चन पूछता है सो डैट इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, इट इज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन वुज वुज नेगेटिव। ये क्वेश्चन है, इसका अलग से पार्ट है, ये इसके बाद ही पूछ लेता है, नेगेटिव नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट गिव्स गिव्स द कंजर्वेटिव गिव्स द कंजर्वेटिव फोर्स, गिव्स द कंजर्वेटिव फोर्स हिंदी में कैसे पूछेगा, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। यानी कि कुल मिलाकर इसमें हमें जो पूछ रखा है भाई, जो पूछ रखा है कि दर्शाइए कि
दर्शाइए कि इसे सुरक्षी बलों के साथ ऋणात्मक प्रवणता के रूप में लिखा जा सकता है ठीक है भाई, ये हमें दिखाना है। अच्छा, पहले तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन था अलग से, पहले एक बात समझनी पड़ेगी कि भैया ग्रेडियंट होता क्या है। पहले एक अलग से कंसेप्ट मैं अलग से ये आपको बता रहा हूँ कि ग्रेडियंट होता क्या है। ग्रेडियंट प्रवणता क्या होता है। अगर मोटे तौर पे बात करी जाए, जो बिल्कुल आसान वे में बताऊंगा मैं आपको कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वे जाती है, तो डिस्टेंस के साथ उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। सपोज करो, एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट वी, ये पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में आपने, या फिर ऐसे पढ़ा होगा ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv/dx। तो भैया जहां पे ये ग्रेडियंट नाम आप सुनो, तो एक बात तो याद रखना कि भैया हमेशा नेगेटिव साइन के साथ में लिया जाएगा। कहां पे लिया जाएगा? हमेशा नेगेटिव साइन के साथ में लिया जाएगा, मोस्टली केस में। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि डिस्टेंस के साथ, ये नीचे क्या है, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में उपल्ले वाली चीज जिसमें भी हम लेकर चलेंगे वो हमेशा घटता रहेगा नेगेटिव के साथ। नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि जरूर से जरूर कुछ ना कुछ चीजें घटी हुई है। तो ग्रेडियंट का मतलब केवल इतना है जो डिस्टेंस के साथ घटे है, जैसे आपने स्लोप भी पढ़ा होगा प्रवणता, कि ऊपर से जब नीचे की तरफ ना आते हैं तो कुछ चीजें घटती है, कुछ चीजें बढ़ती है। तो बस आप इतना याद रखोगे काफी है। तो हम इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता इस वाले को। लेकिन ये हमारा बस ऐसे ही समझना था हमें कि नेगेटिव के साथ चीजें ली जाती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करके दिखाना है कि f वेक्टर इज इक्वल टू माइनस du/dx, ये शो करके दिखाना है। इसका मतलब है ये पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस के साथ कुछ में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है नेगेटिव का। और एफ क्या था हमारे पास में, यहाँ पे एफ बताया था मैंने, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये वाली बात हमें प्रूफ करके इसमें दिखानी है। इसके प्रूफ करने के दो मेथड हैं, एक सिंपल मेथड को लेकर चलते हैं, एक इसके अगले मेथड को हम देख लेंगे। तो यहां तक का नोट करेंगे और इसे हम प्रूफ करके दिखाएंगे यहां से। ठीक है भाई, बहुत आगे बढ़ो, बहुत बढ़िया। तो हमें शो करके दिखाना है कि भैया f = -du/dx, ये शो करके दिखाना है। तो हम इसे प्रूफ करेंगे। इसके प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो इजी मेथड हैं जो आपकी सिलेबस में दे रखे हैं। देखो भाई कौन कौन से, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरी बात पे। यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल की इनिशियल पोजिशन है मान लो एक्स नोट, और ये एक्स एक्सिस में आगे की तरफ ना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हो जाएगी यहाँ पे x1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी इसकी x1। ठीक है भाई, यदि हम x1 भी ना लेना चाहे तो इसके स्थान पे आप सिंपली x भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? सिंपली x भी ले सकते हो। यानी कि ये मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है और इस स्थान पे इसकी इनिशियल पोजिशन है, यानी कि ये प्रारंभिक अवस्था है इसकी, प्रारंभिक अवस्था है कितनी, एक्स नोट, और यहाँ पे पहुँचने के बाद इसकी फाइनल पोजीशन होगी है कौन सी, अंतिम अवस्था क्या होगी,
अंतिम अवस्था होगी एक्स। तो भैया इस पॉइंट पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसे हम कह देंगे यू एक्स नोट, और यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी इसे कह देंगे हम यू एक्स। ठीक है भाई, एक बार और बता देता हूँ, ये हमारा यहाँ पार्टिकल था, ये हमारा क्या था भैया, एक पार्टिकल था, इसे इसकी इनिशियल पोजिशन थी हमारी एक्स नोट, इसे जब आगे बढ़ाया जाता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो यहाँ पे इसकी फाइनल पोजिशन हो जाती है एक्स, और एक्स नोट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है यू एक्स नोट, और यहाँ पे एक्स पे हो जाती है इसकी यू एक्स। तो यहाँ तक का नोट करेंगे सभी भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है यदि भैया आप किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जरूर से जरूर एक नेगेटिव फोर्स भी आपको मिलेगा, एक नेगेटिव फोर्स भी आपको मिलेगा। यहाँ तक का नोट करेंगे, एफ एफ इजिकल टू माइनस एफ, यानी कि जब किसी भी चीज पे पार्टिकल पे आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसका नेगेटिव फोर्स भी आपको मिलेगा। तो इस बात को हम याद रखते हुए चलेंगे भाई, इस बात को हम याद करते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, अगर एक बात बताओ मुझे भैया, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो वर्क हो रहा होगा, कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा भैया, वर्क हो रहा होगा भैया। अगर कुछ वर्क हो रहा है एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जा रहे हैं हम, कुछ वर्क हो रहा है तो वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इकट्ठा हो रहा होगा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वर्क हो रहा होगा पक्का। ये जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है ये किस फॉर्मेट में इकट्ठा हो रहा है, अभी आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में इकट्ठा हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो रहा है। तो भैया कितना डिफरेंस आया इसका, तो वर्क की आप नॉर्मल एक डेफिनेशन देखते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो इसका मतलब है W इज इक्वल टू एफ, अ डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो रहा हो इसे मैंने एक्स कह दिया, या फिर एक्स के तौर पे यहाँ पे क्या कह दिया मैंने, टी कह दिया। तो ये वर्क का फॉर्मूला होता है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि जो ये वर्क है ना तो भैया किस फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, यू के फॉर्मेट में चेंज हो रहा है। तो इस पॉइंट पे कितनी थी यू, मतलब हमारी यू एक्स नोट इस पॉइंट पे कितनी थी यू एक्स, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस आया, तो इनके बीच के डिफरेंस को हम इस प्रकार से लिखेंगे, यू एक्स माइनस यू एक्स नोट। यू एक्स नोट ये क्या हो गया भैया हमारा, ये तो एक तरीके से वर्क की जगह हो गया। तो भैया फोर्स क्या रहा होगा, फोर्स जब ही तो रहा होगा जब हम इसके स्थान पे कहां से कहां तक चल रहे हैं, हम चल रहे हैं भैया एक्स नोट से एक्स तक, एक्स नोट से एक्स तक, और एफ फोर्स हो गया एफ, और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा मान के चला क्या हो गया मेरा डी एक्स। यहां तक नोट करेंगे भाई सभी, और ये जो फोर्स है हमारा ये अप्लाइड फोर्स है, कैसा है ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। ठीक है भैया, जैसे ही इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं तो आप कहोगे यू एक्स माइनस यू एक्स नोट इजिकल टू इंटीग्रेशन एक्स नोट एक्स, एफ एप की तो वैल्यू भी लिखी थी मैंने, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफ एप की वैल्यू कितनी थी। आप कहते हो किसी भी चीज पे आप फोर्स अप्लाई करते हो तो एक नेगेटिव फोर्स भी उसका मिलता है, तो यानी कि एफ एप की जगह हम माइनस एफ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसे जब हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे यू एक्स माइनस यू एक्स नोट और माइनस बाहर निकाल लेंगे तो एक्स नोट एक्स एफ डी एक्स बनेगा भैया हमारा, ये बनेगा हमारा। यहाँ तक का नोट करेंगे सभी। ठीक है चलो आगे चलते हैं।
मैं आपसे कहता हूं कि इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल इनिशियल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन कौन सी थी हमारी, प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी भैया, प्रारंभिक अवस्था कौन सी थी, अवस्था थी हमारी एक्स नोट। एक्स नोट पे तो भैया यू एक्स नोट पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाओगी, जीरो। कैसी हो जाओगी, जीरो। तो इसके स्थान पे जैसे जीरो रखेंगे तो यू एक्स इजिकल टू मिल जाएगा मेरा माइनस इंटीग्रेशन एक्स नोट एक्स एफ डी एक्स, ये बनेगा भाई। यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। ठीक है भाई, यहां तक का नोट कर लियोगे सभी ने। ठीक है भाई, तो यहां पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन लास्ट एक्सप्रेशन, डिफरेंशिएशन लास्ट एक्सप्रेशन यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो सीधी सी बात है ये इंटीग्रेशन की टर्म्स हटने के बाद हमारी टर्म्स बनेगी एफ इजिकल टू ये माइनस, इधरली साइड में आ जाएगा डी यू और ये वाला डी एक्स आ जाएगा नीचे। तो ये वाली जो हमारी टर्म्स बनी ये नेगेटिव ग्रेडियंट की फॉर्म ही तो बनी, यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें शो करना था। तो यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। इसका एक दूसरा भी तरीका है, इसका एक दूसरा भी तरीका है शो करने का। तो हम ऐसा लिख तक ऐसा लिख सकते हैं, हैंस द, हैंस द, हैंस द पोटेंशियल, हैंस द पोटेंशियल एनर्जी, हैंस द पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू में आल्सो बी, आल्सो बी डिफाइन, आल्सो बी डिफाइन एज ए फंक्शन ऑफ पोजिशन, पोजिशन वूज नेगेटिव, वूज नेगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट gives gives the intrinsic force। तो यहां पे हमारा ये अभी तक फर्स्ट पार्ट हुआ है। तो अगर इसी फॉर्मेट को हमें दूसरे तरीके से दिखाना हो, इसी को अगर दूसरे तरीके से भी दिखाना हो तो हम कैसे दिखाओगे, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहां तक का नोट करेंगे भाई सभी। इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे भाई, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट कैसे आता है पहले एग्जाम में उसकी हेडिंग लिखेंगे एक बार। तो बी पार्ट आता है इसका कि कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स एज, यानी कि उपल्ले पार्ट को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं पर एग्जाम में आए तो दोनों तरीके से कर का ना आप, नेगेटिव ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट एज, एज पोटेंशियल, एज पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसका नेगेटिव ग्रेडियंट शो करना, यही बात शो करनी है सीधी सी बात, एफ इजिकल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स ही शो करके दिखाना है, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं एफ वैक्टर इजिकल टू, एफ वैक्टर इजिकल टू माइनस ग्रेडियंट यू भी शो कर सकते हैं। तो इसे दूसरे तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं थोड़ा ध्यान देंगे। अगर सपोज करो मेरे पास कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक पार्टिकल है, सबसे शुरुआत में ये आर नोट पर रखा हुआ था, इसका पोजीशन वेक्टर था आर नोट और इसे किसी भी एक्सिस में आगे बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा उसे हमने कह दिया आर, आर वैक्टर। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट जो थे एक्स नोट थे, वाई नोट थे और जेड नोट थे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे इसके जाने के बाद X, Y और Z, ये दूसरे तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी का ऐसी चलेगा। पर इसमें एक बात याद रख कर चलनी पड़ेगी, इसमें कुछ चीजें हमें पोटेंशियल एनर्जी को लेट करके चलनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी कि यू आर वैक्टर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है अभी पीछे आया तो था, क्या आया था माइनस, यहाँ पे एक्स नोट था, एक्स नोट की जगह तो आ जाएगा आर, आर नोट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इस फॉर्मेट का भी हम ये बताया तो था मैंने अभी आपको,
दूसरे तरीके से भी ऐसे भी कर सकते हैं कि इसे आपकी बार तीन डायमेंशन का केस मान के चलेंगे कि इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, तीनों के फॉर्मेट से भी हमें इसे करके दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा धर्म रहेगा इसको सोल्व करने का। जैसे ये सोल्व कर लेंगे, जो सा भी आसान तरीका लगे एग्जाम में वो आप करियाना, हो सके तो दोनों करिए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। अगर यदि मैं इसका एफ डॉट आर निकालना चाहूँ, एफ डॉट आर निकालना चाहूँ, तो बच्चों बताओ एफ डॉट आर क्या रहेगा हमारा। अगर ये जो हमारा फोर्स है ये भी तो तीन पार्ट में लगा हुआ रहेगा भाई, फोर्स जो है ये भी तो कितने पार्ट में लगा रहेगा, तीन पार्ट में। इसके कौन कौन से पार्ट रहेंगे, अगर मैं इसे अलग से दिखा निकालना चाहूँ कि एफ फैक्टर की वैल्यू है कि होती कितनी है, तो आप कहोगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, अगर तीनों उसमें लग रहा है एफ जेड के कैप। ठीक इसी प्रकार से आर डी, इसकी अगर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, सिंपली डी आर वैक्टर की निकालनी है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है डी आर है, डी आर। तो पहले डी आर वैक्टर की वैल्यू देख लो कितनी होगी, पोजिशन की क्या क्या होगी, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, इस तरीके से होगी। अब इनका क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा, डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा, तो पहले इसे डॉट प्रोडक्ट को ही सोल्व कर लो भाई, इसे डॉट प्रोडक्ट को ही पहले सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसे डॉट प्रोडक्ट को ही जैसे आप सोल्व करेंगे एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर, तो आपका क्या बनेगा, देखो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और डॉट है यहाँ पे बीच में डॉट, तो ये आ जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो भैया सभी को पता होगा डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ में जाता है, जे वाला जे के और के वाला के, तो हमारा ये बन जाएगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि आई इंटू आई की वैल्यू कितनी, देखो इस वाले पोर्शन की डॉट किस वाले के साथ में करते हैं इसके, तो ये एफ एक्स तो ऐसी हो गई और डी एक्स ऐसे कैसी, आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू एक हो जाती है, तो प्लस ये बन जाएगा इस वाले के साथ में कौन जाएगा ये वाला, तो एफ वाई डी वाई प्लस इसी प्रकार से एफ जेड डी जेड, तो ये बना भाई हमारा क्या बना, एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। तो यहाँ तक का नोट करेंगे हमारा अभी फिलहाल ये बना भाई, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं और इसे सोल्व कर सकते हैं। चलो भाई सोल्व करके देखते हैं, इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रखो, यू आर वैक्टर इजिकल टू, जल्दी जल्दी रखेंगे भाई, जल्दी जल्दी रखेंगे, इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को फॉर्मेट को दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ये केवल आर में है, और आर किस में है, एक्स वाई जेड में, तो अलग अलग दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं भैया, एक्स नोट वाले को तो अलग कर दो, इस तरीके से लिख सकते हैं ना, दूसरा वाई नोट वाले को अलग कर दो, एफ डी वाई माइनस इसी प्रकार से जेड नोट, इसे हम अलग कर देंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे भी सभी, फिर आगे चलते हैं। और जैसे ही यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कर देंगे इसका पार्शली, तो आगे इसे हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ से हम डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन 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 या डिफरेंट सेटिंग द इक्वेशन द इक्वेशन पार्शली, और पार्शली डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, इसका पार्शली करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, तो हमारा क्या फॉर्मेट निकल कर आता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने करा था, तो एफ एक्स हमारा क्या आएगा, जल्दी बताए सभी बच्चे, माइनस डी यू बाई डी एक्स आएगा, दूसरा क्या आता है एफ वाई क्या आएगा, माइनस डी यू बाई डी वाई आएगा, अभी बताया तो था किस प्रकार से, और एफ जेड क्या आ जाएगा, माइनस डी यू बाई डी जेड आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक का नोट करेंगे अभी सभी, और जैसे इन सभी वैल्यू को एफ एक्स को
एफ वाई को और एफ जेड को सभी को उठाकर इन इन स्थानों पर रखते रहेंगे, इन इन स्थानों पर रखते रहेंगे, तो हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा सिंपल, मतलब एफ वाले फॉर्मेट में रखेंगे। तो एफ वाला फॉर्मेट क्या था भैया हमारा, एफ एक्स प्लस एफ वाई, भाई तीनों कंपोनेंटों से जुड़ के ही तो एफ बना होगा, तो यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। सॉरी, आई कैप के साथ में कंपोनेंट हमेशा अलग नहीं होते, आई जे और के कैप, इस तरीके से यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। और सब इनकी वैल्यू को पुटअप कर दो यहाँ पर, इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर देंगे भाई। तो जैसे आप वैल्यू पुटअप करते हो, एफ वैक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स की कितनी वैल्यू आई है, डी यू बाई डी एक्स आई कैप, इसकी वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे वैल्यू रखो तो आप कहोगे माइनस के डी यू बाई डी वाई, ये भी तो माइनस के चलो। और ये जे कैप प्लस एफ जेड की कितनी आई है मेरी, आप कहोगे माइनस डी यू बाई डी जेड के कैप, ये आई है हमारी। अच्छा, इन्हें सबको थोड़ा सॉल्व करके माइनस बाहर निकाल लोगे इसका, तो आप कहोगे डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाई डी जेड के कैप, ये हमारी टर्म्स बनी। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी। चलते हैं आगे, तो हमारा क्या बनेगा, एफ वैक्टर इज इक्वल टू, अगर इसमें से सभी में से यू बाहर निकाल लिया जाए तो मेरा बनता हुआ दिखाई देगा डी एक्स बाई डी डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई डी जेड के कैप। तो इसका मतलब है ये सारी टर्म्स तो याद रखनी है आपको, ये वाली सारी टर्म्स होती है हमारी डेल ऑपरेटर, माइनस यू और ये होती है हमारी डेल, इस तरीके से होती है ये वाली। तो यहाँ पे साइड में हम लिख देंगे डेल ऑपरेटर, वेयर डेल ऑपरेटर क्या बोलते हैं भैया इसे, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर मैथमेटिकल फिजिक्स में इसके सारे रूल बताऊंगा मैं आपको डेल ऑपरेटर के। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई डी जेड के कैप। तो यहाँ तक का सभी को कंफर्म होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब है एक तो ये आ गया माइनस ग्रेडियंट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो डेल होता है यू के साथ में, मतलब डेल को हम लिख सकते हैं माइनस, तो ऐसे कैसे इसे ग्रेडियंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट यू। और यही बात तो हमें प्रूफ करनी थी, यही बात तो प्रूफ करनी थी कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में नेगेटिव शो करेगा, इस तरीके से हमें यह बात प्रूफ करनी थी भाई। यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया, यहाँ तक का नोट कर लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका तीसरा पार्ट करके दिखाना है। तीसरा पार्ट क्या करके दिखाना है भाई, देखते हैं तीसरे पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बताना था, थर्ड पार्ट है ये हमारा, इसका थर्ड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट में क्या बताना था, हमें बताना था कि कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव 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 फोर्स ऑलवेज, ध्यान रखना ऑलवेज जीरो, जीरो यानी कि संरक्षी बल का, संरक्षी बल का कर्ल, कर्ल सदैव सदैव जीरो होगा, शून्य होगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, इस बात को भी प्रूफ करेंगे हम, क्या प्रूफ करेंगे कि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए, इस बात को हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करो भाई, यहाँ तक का नोट करेंगे, पहला क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक किसी बच्चे को। चलो अभी हम थोड़ी देर पहले क्या निकाल का है, वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट एफ वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट u निकाल का है, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं एफ फैक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल u भी लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूं यहाँ से माइनस साइन को इग्नोर कर दूं या बोथ साइड में कर ले लूं, टेकिंग कर्ल बोथ साइड, टेकिंग कर्ल बोथ साइड। अब कर्ल का मतलब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ लगा नॉर्मल वे में अगर बता दो भैया कर्ल का क्या मतलब होता है, कर्ल का मतलब होता है किसी एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर जाओ, तो अगर वापस उसी पाथ से, ये पाथ फर्स्ट है, ये पाथ फर्स्ट है, ये क्या है पाथ सेकंड है, तो एक पॉइंट से आप यहाँ पे जा रहे हो तो उसी पॉइंट से यदि सेम उससे आ रहे हो तो हमेशा कर्ल की वैल्यू कैसा रहेगा, एक तरह चक्र को दिखाने की कोशिश करता है कर्ल, किसे दिखाने की कोशिश करता है चक्र को। और भैया किसी, तो अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वापस उसी पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहा आपका, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा रहा, विस्थापन कैसा रहा जीरो। तो ये कर्ल की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो अगर मैं दोनों साइड का क्या ले लूं, कर्ल ले लूं, तो क्या होगा भैया, तो टेकिंग कर्ल, तो कर्ल एफ फैक्टर इज इक्वल टू जब कर्ल लेते हैं नेगेटिव साइन को इग्नोर कर लेते हैं, कर्ल डेल वेक्टर यू, तो यहां पे लिख देंगे इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब है जब भी कर्ल होगा और यहां पे डेल ऑपरेटर रहेगा तो ये ऐसा लिखा जा सकता है कि कर्ल एफ वेक्टर इज इक्वल टू, कर्ल के साथ हमेशा कभी डेल रहे तो हमेशा एक डेल और बना देता है और इस वाले पूरे फंक्शन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट बना देता है। यो ध्यान रखिए ये वाली बात मेरी, क्या बता रहा हूँ भैया, अगर कोई एक कर्ल होता है तो ये एक फंक्शन है, ये वाला एक फंक्शन है और इसके साथ में ये क्या बनाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बनाता है इस फंक्शन के साथ में, ठीक है। हमें एक बात और बताती यहाँ से, क्या बात बताती भैया, यहां से एक बात बताती कि डेल की वैल्यू कितनी थी, डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी वाई डी जेड के कैप, ये थी हमारी। और इसके साथ में ये किसका निशान लगा हुआ है, इसका, इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे डी यू बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाई डी जेड के कैप, ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो भैया जब कोई भी कहीं भी क्रॉस प्रोडक्ट आती है तो सीधी सी बात है डॉट में तो आसान केस होता है, आई वाले की आई वाले में, जे वाले की जे वाले में, के वाले की के वाले में, लेकिन क्रॉस में हमेशा मैट्रिक सोल्व होती है, क्या होती है भैया मैट्रिक सोल्व। तो मैट्रिक सोल्व करके उसका डिटर्मिनेशन देखते हैं हम, तो ये हमारा बन जाता है कर्ल एफ फैक्टर इज इक्वल टू, इसकी मैट्रिक्स सोल्व करेंगे भाई सभी बच्चे, आई कैप वाले कंपोनेंट यहाँ पे इस लाइन में लेने और जे वाले यहाँ पे और के वाले यहाँ पे। जैसे आप ये आई वाले लिखते हो डी वाई डी एक्स, ये आई वाला हो गया, यहाँ पे आई वाला क्या है दिखाई दे रहा, सबको सोल्व करनी आती होगी डी यू बाई डी एक्स, ऐसे ये जे वाला क्या बन गया होगा डी यू बाई डी वाई, और इसका क्या बन गया होगा डी यू बाई डी वाई, और ये के वाला क्या बनेगा होगा, ये वाला देखो डी वाई डी जेड, और यहाँ पे के वाला क्या बन गया होगा, यो डी यू बाई डी जेड। और जब आप इसका डिटर्मिनेशन सॉल्व करते हो, जब आप इसका डिटर्मिनेशन सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है कितना भैया, इसका आंसर आता है कर्ल एफ फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो यही बात हमें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, ठीक है भाई, इसका डिटर्मिनेशन सॉल्व कर लियो बच्चों, अगर कोई दिक्कत समस्या आवे डिटर्मिनेशन सॉल्व करने में तो मुझे बता दियो, पर एग्जाम में ये डिटर्मिनेशन सॉल्व करके ही दिखाना है तुम्हें, ठीक है। अगर डिटर्मिनेशन ना सॉल्व हो तो मैं एक साइड में यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसा इसका बनेगा फॉर्मेट, इसका बनेगा फॉर्मेट आई वैक्टर डी टू यू बाई डी वाई डी जेड डी टू यू बाई डी जेड डी वाई माइनस के जे कैप डी टू यू
बाई डी एक्स डी जेड माइनस डी टू यू बाई डी जेड डी एक्स और प्लस का के डी टू यू बाई डी एक्स डी वाई प्लस माइनस के सॉरी डी टू यू बाई डी जेड सॉरी एक सेकेंड इसका बनेगा हमारा डी वाई डी एक्स। इस तरीके से जब आप इसको परफेक्ट डिफरेंशिएशन का केस लगा दोगे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन का केस लगा दोगे, परफेक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर चाहे आप किसी का भी कर लो, पहला पहला वाई का किसी के रेस्पेक्ट में, तो ये सब कैसी टर्म्स हो जाएंगे हमारी जीरो बन जाएगा। परफेक्ट डिफरेंशिएशन में ये सारी टर्म्स कैसे हो जाएंगे जीरो, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा और ये भी जीरो बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कर्ल एफ फैक्टर कैसा आया यहाँ से जीरो आया। तो आज जो हमने आपका पढ़ा था, हमने कंसेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है अपने आप में। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको ख़त्म कर रहे होगे, ठीक है। इसके साथ में एक पिछली बार में मेरे न्यूमेरिकल बचे हुए थे, दो न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से बहुत बढ़िया, तो उन न्यूमेरिकलों को बहुत ध्यान से देखेंगे भाई। पिछली बार भी मैंने ये न्यूमेरिकल कराया था आपका, एक बार और बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ। ये न्यूमेरिकल को देखते हैं भाई, न्यूमेरिकल कैसा पूछा गया था, क्वेश्चन ये फर्स्ट है आपके लिए। इफ फोर्स यानी कि कोई भी बल दे रखा था उसने, कोई भी बल दे रखा था, एफ फैक्टर की वैल्यू दे रखी थी उसने क्या, टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर और आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस टू एक्स जेड के कैप, और सो करने था सो डैट इट इज कंजर्वेटिव फोर्स दर्शाइए कि यह सुरक्षी बल है। ये था आपका क्वेश्चन। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपके पास में कोई भी ऐसा केस बने तो हमेशा कंजर्वेशन दिखाने का मतलब क्या है, जहां कहीं भी कर्ल एफ फैक्टर कैसा आ जाए जीरो आ जाए, तो हम कह सकते हैं कर्ल एफ फैक्टर जीरो आ गए तो हम कंजर्वेटिव फोर्स है यानी कि सुरक्षी बल है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यदि कर्ल एफ फैक्टर जीरो ना आए तो इसका मतलब है यो नॉन कंजर्वेटिव है भैया। कैसा है यो, नॉन कंजर्वेटिव है। आए हुए क्वेश्चन है ये आपके, असुरक्षित बल है। तो आप इसका कर्ल एफ फैक्टर जीरो बना के देखो, कर्ल एफ फैक्टर जीरो बना के देखो इसका जल्दी से, ये नोट करेंगे कंडीशन। तो इसका कर्ल एफ फैक्टर क्या शो करके देख लो, जीरो अगर आ गया तो कंजर्वेटिव है, अदरवाइज कंजर्वेटिव नहीं है। तो एलएचएससी लेकर देख लो एक बार, कर्ल एफ फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार देखो डेल के साथ में क्या लेना है, एफ की वैल्यू जितनी भी दे रखी हो, एफ की वैल्यू ये जितनी भी दे रखी हो एफ फैक्टर, ये दिखाना होता है। तो ये डेल की वैल्यू तो हमें पता होती है डी एक्स सॉरी डी वाई डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई डी वाई जे कैप प्लस डी वाई डी जेड के कैप, और इसका जिसके भी साथ में ये एफ की वैल्यू दे, एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है एक बार देख लो, ये दे रखी है टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस टू एक्स जेड के, इस तरीके से दे रखी है भाई हमारी।
ये दे रखी है। तो इसका आप मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, यहाँ तक का नोट करके सभी मैट्रिक्स सॉल्व करो भाई और बताओ मुझे क्या आया। यहाँ तक का आप मैट्रिक्स सॉल्व करो भाई। तो मैट्रिक्स सॉल्व करने का तरीका तो आपको सभी को पता ही होगा, क्या आई कैप वाले अलग ले लो, जे कैप वाले अलग ले लो, के कैप वाले अलग ले लो। इसका आई कैप का क्या बनना है, इसका डी वाई डी एक्स। इसका आई कैप क्या बनना है, योरा टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। जे का इसका क्या बनना है, डी वाई डी वाई। और इसका जे क्या बनना है, एक्स स्क्वायर। इसका के क्या बनना है, डी वाई डी जेड। और इसका क्या बनना है, टू एक्स जेड। ये आया इसका मैट्रिक्स। क्या आया भैया, ये आया इसका मैट्रिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स सॉल्व करना तो सभी को आता ही होगा, मैट्रिक्स सॉल्व करना सभी को आता ही होगा। कैसे करते हैं, आई कैप इसे छुपा लेते हैं इस प्रकार से, तो क्या बन जाता है, डी वाई डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई डी जेड टू एक्स जेड। ये तो आई शो करता है, फिर इसके बाद माइनस जे माइनस जे माइनस जे वाले में इस वाली लाइन को छुपा लेते हैं और इस वाले को छुपा लेते हैं, तो बनता है डी वाई डी एक्स टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। और ये बनता है डी वाई डी जेड और इसका बनता है टू एक्स जेड। और प्लस के वाला लेते हैं, के वाले में इस लाइन को छुपा लेते हैं इस प्रकार से, डी वाई डी एक्स टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है भाई। और डी वाई डी वाई और एक्स स्क्वायर। तो और इसकी क्रॉस इसकी यहाँ पे होती है, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, इस तरीके से। और इसका सिंपल डिफरेंशिएशन टर्म्स आप सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे डी वाई डी वाई टू एक्स जेड माइनस डी वाई डी जेड एक्स स्क्वायर। ये तो हमारी टर्म्स बनी किसकी, आई की, माइनस जे। इसकी क्या बनेगी, डी वाई डी एक्स टू एक्स जेड माइनस के। माइनस के डी वाई डी जेड टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। और ये आया हमारे पास यहाँ तक का, ये किसकी बनी। अब के की देख लेते हैं, प्लस के डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई डी वाई। ये वाली टर्म्स टू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर, ये बनी हमारे पास। यहाँ तक का नोट करेंगे भाई सभी, बहुत बढ़िया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको जब आप सॉल्व करोगे आई कैप इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो अपना आप ही जीरो। माइनस इसका कर रहे हैं जीरो, माइनस जे इसका क्या बनेगा भाई, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये बनेगा हमारे पास टू जेड माइनस इसका जेड के उसमें कर रहे हैं, ये तो टर्म्स हमारी जीरो होगी। ये बना हमारा टू जेड प्लस के, यहाँ पे अगर हम इसका करेंगे तो टू एक्स, और यहाँ पे जे खत्म हो गया तो ये माइनस टू एक्स। तो आप सभी को देख रहे होगे ये वाला पार्ट सब क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब है कर्ल एफ फैक्टर इज इक्वल टू कैसा आया, जीरो। इसका मतलब ये कंजर्वेटिव है, हैंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, हैंस इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये वाली बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, नोट करेंगे और कल मैं इसे आपका देखता हूँ कितना है आपका आंसर, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है आपका, सो डैट फोर्स कैपिटल एफ फैक्टर इज इक्वल टू आई कैप वाई जेड प्लस जे कैप जेड एक्स प्लस के कैप एक्स वाई कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव सुरक्षी है, यानी कि सुरक्षी है। तो वही सेम टू सेम कर्ल एफेक्टर कैसा आना चाहिए, कर्ल एफेक्टर कैसा आना चाहिए, जीरो। सॉल्व कर लोगे, होमवर्क है आपका, डू योर सेल्फ अच्छे से। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आई होप। तो आज हमने समझा था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये तीनों पार्ट इसके पूछे जाते हैं 7.5 मार्क्स में, बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है। आई होप कि ये आपके इंटरनल में भी आए, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत बढ़िया, बाय बाय।